यहाँ से ग्राउंड से वो सप्लाई देंगे 5 वोल्ट की या 3 वोल्ट की। अटल टिंकरिंग लैब जो इस स्कूल में सेटअप हुआ है ये पहले से फंक्शनल था, इसकी औपचारिक रूप से आज इनॉग्रेशन हुई है। आप लोगों ने देखा कि कैसे बच्चे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से मॉडल्स बना रहे हैं और हैंड्स डाउन एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ऐसे टिंकरिंग लैब्स हम लोग और भी सेटअप करेंगे इस साल। इस साल एम्बिशियस टारगेट है 250 टिंकरिंग लैब सेटअप करेंगे। ये जैसे हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, हम उनमें बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है क्योंकि दिन में भी कोई स्ट्रीट लाइट्स जगी रहती हैं। ये ऑटोमेटिकली सेंस करके जब डे होगा तब ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी और जब रात होगी तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। जैसे हम आपको ये प्रेजेंट करके दिखाते हैं, देखो सर, ये जैसे फ्लैश लाइट मारी हमने इसके लिए, अभी रात है और जब इसके लिए डे होगा तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ होगी। सर बेनिफिट तो यही है इसका कि इलेक्ट्रिसिटी हमारी सेव होगी फ्यूचर जनरेशन के लिए, और साथ में वायर का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है अभी, तो वायर्स भी इसमें सेव हो जाएंगी। ये ड्रोन बड़े मतलब यूज़फुल है। इस ड्रोन से हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, हम इसके साथ ड्रोन शॉट्स ले सकते हैं किसी इंपॉर्टेंट असेंबलीज या किसी हम अलग अलग इवेंट्स के लिए। और इस ड्रोन के लिए हमने इसको ड्रोन को असेंबल किया है और पूरी कोशिश है कि हम इसको हम दोबारा अच्छे खुद बना सकें प्रॉपर। ड्रोन की वजह से हमें जो टेररिस्ट है या हमारे दूसरी कंट्रीज़ के जो लैंड्स है अलग अलग, उनके ऑपरेशन जो उनके हेड्स ऑफिस है वो सारे हम देख पाए हैं, और हमें और भी डिफेंस के बारे में पता चला है उनके दूसरी कंट्रीज़ के बारे में। दिन है तब ये ऑफ हो गया सर। इलेक्ट्रिसिटी बचेगी सर। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।